Good morning, students. Yes, we are going to start a new question. Question number आपका 6, because we have discussed about till question number 5, first and second part. Now we will have to discuss about question number 6. Okay, student. So please let us start question number 6. फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 हैं उसके दो फॉर्मूले पर बेस्ड हैं, उनके अलावा कोई फॉर्मूले पर बेस्ड नहीं है. ठीक है, जैसे कि आपसे ए प्लस बी की होल ट्राइज है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आप सब जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है. ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. जैसे कि आपके पास ये दे दिया 2x प्लस 1 है, ठीक है, इसकी होल ट्राइज है, तो इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जैसी वैल्यू रखेंगे तो 2x की पावर 3 यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ए की वैल्यू कितनी है 2x है और बी की वैल्यू 1 है और ब्रैकेट में ए प्लस बी. फाइन, ये 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ गया, 2 2 4 8 एक्स की पावर 3 होगा प्लस 1 प्लस 3 2 6 x हो गया, तो ये हुआ 2x प्लस 1. ओके स्टूडेंट, ये हुआ 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 12 एक्स स्क्वायर आएगा और प्लस का 6x, ये आपका आंसर होगा. राइट स्टूडेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को तो देख लीजिए, एक बार दोबारा देख लेते हैं. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो 2x की क्यूब करेंगे तो 8x क्यूब आएगा, प्लस का 1 आ गया, प्लस 3 2 6x हो गया, यहाँ 2x प्लस 1 है, 6x की जब इससे करेंगे तो 6 2 12 एक्स स्क्वायर आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई है तो 6x हो गया. ओके स्टूडेंट, इसी पर सेम बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3 है वो खुद करेंगे. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 है और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सेम फॉर्मूले पर बेस्ड है, तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं करा देता हूँ और 2nd 3rd आप खुद कर लेना. ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं 6 का. इसमें दे दिया है x माइनस का 2 upon 3y की होल ट्राइज. राइट, तो ये होल ट्राइज की बात कर रहा है तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या आएगा, a माइनस b की होल क्यूब. तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं स्टूडेंट, क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला होगा. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ करेंगे तो ए क्यूब ए माइनस बी की होल क्यूब, तो ए क्यूब का मतलब क्या हुआ, ए क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे बी क्यूब माइनस 3, ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू 2 upon 3y हो गया. राइट स्टूडेंट, और ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस का 2 upon 3y, ये आपके पास आ गया. यहाँ करेंगे तो एक्स क्यूब होगा माइनस 2 की 3 करेंगे तो 8 हो गया, 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 हो गया, वाई क्यूब हो गया माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 2xy, ठीक है, और एक्स माइनस का 2 upon 3y. ओके स्टूडेंट, इस टोटल पार्ट के अंदर मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो देखो जरा क्या कंडीशन आती है स्टूडेंट, ए क्यूब माइनस 8 upon 27 वाई क्यूब माइनस, इसकी इससे मल्टीप्लाई की अंदर तो कितना आ जाएगा, 2 की जब इससे करेंगे तो 2 आएगा, एक्स की पावर 2 हो गया, वाई आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 एक्स ऐसे रहेगा, ठीक है, वाई स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 3 ऐसे रहेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो आप उससे बोल सकते हैं. ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 के भी जो पार्ट हैं वो भी इन्हीं पर बेस्ड हैं. देखो जरा क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, उसने दे रखा है 9 9 की होल ट्राइज, इसको आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट. ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 - 1 की होल ट्राइज. ओके, और ए माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, ए माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी. राइट, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ए क्यूब मतलब 100 की क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 1 और ए माइनस
बी, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो जरा स्टूडेंट, इसकी जब क्यूब करेंगे तो हमें पता है कि दो हैं और तीन पावर हैं, तो आपके पास तीन बार इसको लिखेंगे तो तीन बार लिखने पर वैल्यू आपके पास ये आएगी, माइनस वन की क्यूब करेंगे तो वन आएगा, माइनस थ्री की इससे करेंगे तो 300 हो गया स्टूडेंट, और ये आ गया 100 माइनस वन, राइट। तो 99 लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे रखें तो अच्छा है। ये आ गया कितनी 60, ऐसी रहेंगी 56, ठीक है। माइनस का वन और माइनस 300 की इससे करेंगे तो माइनस थ्री, और दो जीरो ये, दो जीरो ये, तो 40 हो जाएंगी, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 300, राइट स्टूडेंट। इसको आप सॉल्व कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 003 और 1230, ठीक है। तो ये आपके पास ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमने ऐड कर लिया, माइनस का ये दोनों पार्ट लेंगे तो 30001, ठीक है। इसमें से आप इसको लेस कर दीजिए तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 10 में से 1 को लेस करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 9 आएगा, ठीक। 10 में से 1 को लेस करेंगे तो 9 ही तो आएगा, यहाँ पे 9 बचा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पे तो 2 बचा ना, राइट। अब 1 में से इधर ले जाएंगे कैरी, इधर से यहाँ कैरी, इससे यहाँ कैरी ले जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट, 10, मतलब इसको तो आप 0 का 0 ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो ये 0 आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10, 10 में से 3 को लेस करेंगे तो 7 बचेगा, और यहाँ पर 9 ऐसे बचेगा, ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो मे बी आप इसको कैलकुलेशन जब आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका आंसर क्या है, राइट स्टूडेंट। तो देखो ज़रा, अगर मान लीजिए इसमें आपसे कुछ और भी पुटअप किया जाता है, मान लीजिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको सॉल्व करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं इजीली, राइट स्टूडेंट। तो देखो ज़रा इसका आंसर हम मैच कर लेते हैं कि इसका आंसर जो है वो आपका सही है या नहीं, तो आप इसको अलग से मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, ओके स्टूडेंट, अलग से आप मल्टीप्लाई कर लें। तो 970 970 और 299, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेटर में चेक किया है अभी, तो हमारा ये आंसर सही है, 970 और 299, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, इसको आप कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी पर बेस्ड है, तो 102 वाला, ठीक है। तो 102 वाला हम एक बार कर लेते हैं, और जो उससे थर्ड वाला पार्ट है वो आप खुद कर लें। 102 की होल थ्राइज है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 + 2 की होल थ्राइज, राइट स्टूडेंट। ये हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या कंडीशन आएगी आपके पास, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी की होल थ्राइज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए क्यूब, राइट। तो 100 की क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ए की वैल्यू होगी 100 और बी की वैल्यू होगी 2, और ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि 100 + 2, ओके। तो यहाँ पर जब 100 की क्यूब करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 20, ये 20 और ये 20 यानी कि 60 होगी, प्लस 2 की पावर 3 का मतलब कितना आएगा, 8 आएगा, 3 × 6, 20 एज इट इज हो जाएगा, और 100 + 2, राइट। ये आपने ऐसे लिखा, क्लियर स्टूडेंट। 3 और ये 60 होगी, प्लस का इसको ऐसे रखा 8, प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 20 ये, 20 ये, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 40 हो जाएंगे, ओके स्टूडेंट। 6 × 12, ठीक है, ये 1200 आ गया। अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, राइट स्टूडेंट। जब सबको हम ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम सारे के सारे जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी बन सकती है, ठीक है। तो ये आपको देखना है, तो क्या वैल्यू बन जाएगी आपके पास टोटल को अगर हम ऐड करें तो 8, ठीक है, और 0 2 1 6 0 1 1 0 6 1, ठीक है, 208, राइट। तो देखना जरा यही बनेगा, इसमें कोई डाउट, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब आप इसको सॉल्व कर, मतलब आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं चाहे तो करके,
ठीक है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर है इसी पर बेस, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो आप खुद ट्राई करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट, मैं आपको इसकी पीडीएफ बना करके भी भेज दूँगा, ठीक है, और आप अपने वर्क को अटैच कर दें, ठीक है, मैंने आपको क्लासरूम पे भेज दिया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, यस, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस।